मेरा नाम है अली और आज हमारा लेक्चर थर्टीन वर्ड प्रेस सेटअप और वर्ड प्रेस बेसिक सेटिंग से रिलेटेड होगा और मेरे साथ जो है वो uh, खिलत मौजूद है आज जो कि एक इंटरनेशनल uh, कंपनी में जॉब करते हैं और सीनियर डेवलपर हैं और ये एक्सपर्ट हैं अपने काम में तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी एक्सपर्टीज ली जाए और इनसे जो है वो इनका एक्सपर्ट ओपिनियन क्योंकि ये अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट है बेहतर तरीकों से चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकेंगे और इसलिए जो है वो इनका टाइम लिया है और आज और कल का लेक्चर वर्ड प्रेस पे होगा जिसमें वो तमाम चीजें जो कि वर्ड प्रेस की बेसिक सेटिंग से रिलेटेड थीम सिलेक्शन से रिलेटेड और उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी ऑप्शंस होती हैं वर्ड प्रस में आ, कम टाइम में जो हम मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सके हैं वो ये गाइड करेंगे आज का लेक्चर जो है वो हम बेसिक वर्ड प्रेस की सेटिंग पर होगा कि एक नया वर्ड प्रेस जिस पर आप एक होस्टिंग कंपनी में जाकर जब होस्टिंग बाय करते हैं उसमें मंथली इंस्टॉल होता है वर्ड पे क्लिक करते हैं और वर्ड इंस्टॉल हो जाता है जिस पर आप कोई भी यूजर नहीं पासवर्ड रख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है अगर आप वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है या नहीं इस्तेमाल करना आ रहा है या नहीं इंस्टॉल कर सक रहे तो जहां से भी आपने होस्टिंग लिया कॉन्टेक्ट करेंगे और कहेंगे वर्डप्रस इंस्टॉल कर दो तो सिंपली वो आपको इंस्टॉल कर देंगे और आपके पास इस तरह की स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी जो कि आपको इस वक्त वर्ड प्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड नजर आ रहा है और इधर से आगे स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होती है तो आप जो है वो खिल्लत जो है वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का लेक्चर जो है वो WordPress की बेसिक सेटिंग और बेसिक uh, WordPress का डे वन जो आप गुजारते हैं WordPress के साथ वो उसको एक्सप्लेन करेंगे जी खिलाड़ी ओके सर थैंक यू सो मच चलें हम सर uh, ने तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया तो बगैर किसी देर के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम अपनी वर्ड जब हमारा इंस्टॉल हो जाता है सबसे पहले आपको लॉग इन करने से पहले बताऊं कि शायद इधर कोई न्यू बीज हों जिनको जो थोड़ा सा टफ़ समझ रहे हो कि हमारा सी एस रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है तो हम किस तरह से वेबसाइट बनाएंगे किस तरह से क्या करेंगे कहाँ से लॉगिन करेंगे कोई कोड लिखना पड़ता है क्या कुछ होता है तो उसके लिए सबसे पहले जब हम लॉग करते हैं तो जो हमारी वेबसाइट का नाम है लेट सपोज मेरी वेबसाइट का नाम है इंक्रेज चैम्बर्स डॉट ओ एन वाई एक्स डैश साइट डॉट आई ठीक है इसके स, जो आपके साइट का नेम है उसके साथ आप स्लैश डाल के इस डालब्ल्यू पी एडमन लिखेंगे तो आपकी साइट का ये डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना सपोज मेरा यूजर नेम खुलता है एंड मेरा पासवर्ड ये मैंने अपना पासवर्ड एंटर करके जब हम लॉग इन करेंगे तो तो हमारे पास एक ये आ, हमारा बेसिक सा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जो कि वर्डप्रेस का हमारी साइट का डैशबोर्ड है अब इस डैशबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास होम का होम में हमारे पास ये हमारी साइट का हेल्थ स्टेटस शो हो रहा होता है अभी जैसे शो करा रहा है वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अभी साइट में खाली साइट है ये हमें साइट का स्टेटस शो करा रहा है मे भी हमारी साइट को स्टेटस पे है सेकेंड जो ये आ, ये आ, बॉक्स है इस पे हमें हमारे नंबर ऑफ पेजेस पोस्ट और कमेंट शो करा रहा होता है जैसे अभी ये हमें शो करा रहा है कि हमारे पास हमारी वेबसाइट के दो पेजेस बने हुए प्लस अभी एक कमेंट आया हुआ इस पे नीचे ये हमें वर्ड प्रेस का हमारा वर्जन भी बता रहा होता है कि हमारा वर्ड प्रेस का सिक्स पॉइंट ओ पॉइंट टू वर्जन इस टाइम रनिंग है और इस पे अभी हमने फिलहाल जनरेट प्रेस थीम लगाया हुआ है जिसके बारे में इधर बता रहा है नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये बेसिक सा एक बॉक्स है इस पे हमारी रिसेंट एक्टिविटीज़ दिखा रहा होता है कि रिसेंट कमेंट्स कोई आए हैं या कुछ इस तरह से हुआ है तो इस बॉक्स पे ये दिखा रहा होता है प्लस एक क्विक सा ड्राफ्ट हमें राइट साइड पे एक शो करा होता है और कुछ वर्ल्ड प्रेस की इवेंट्स एंड न्यूज शो करा होता है जिसका आप पूरी अपनी वेबसाइट में आपका कोई इसमें काम नहीं होगा तो चलें इसके बाद हम जो दूसरा इसका ऑप्शन देते हैं वो अपडेट्स का ऑप्शन है अपडेट्स कौन सी होती हैं मतलब किसी भी प्लगइन में कोई अपडेट आती है या किसी भी थीम में कोई भी अपडेट आती है या वर्डप्रेस के वर्जन में कोई अपडेट आती है तो वो हम यहां से चेक करते हैं यहाँ पर वैसे हमें जब कोई अपडेट आती है तो एक राइट से साइन आ जाता है जिस, जिसमें हमें शो करा देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अपडेट्स आ गई हैं और मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि जो मैं प्रैक्टिस यूज करता हूँ कि जब भी मैं वर्ड प्रेस को अपना लॉग इन करता हूँ उसके बाद सबसे पहले मैं अपडेट्स चेक करता हूँ क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपका जितना भी आप थीम्स प्लग या वर्ड का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं वो अप टू डेटेड हो ठीक है अच्छा खैर इधर हमें बता रहा है कि यहाँ पर वर्ड की अपडेट्स आएंगी करंट वर्जन हमारा ये वाला चल रहा है और अगर आपने You have the हमें बता रहा है ये वर्जन है और अगर आपने री, री तो आप से री प्लस पर इस वाले में हमारे पास प्लग की अपडेट आएंगी जो की अभी ऑल अप टू डेट है और इस वाले पोर्शन में हमारे पास थीम्स की अपडेट्स आएंगी ठीक है अच्छा जब भी हम कोई अब ये जो तीसरा सेक्शन है वो हमारे पास पोस्ट का आएगा जब भी हम कोई अब भी नया आर्टिकल एड करना होगा तो हम यहाँ पर पोस्ट में ऐड करेंगे ठीक है अब पोस्ट में हमारे पास क्या क्या शोक आता है सबसे पहले यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड की जब भी आप अपनी नई वेबसाइट बनाएंगे तो एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट बनी हुई होगी जो बाय डिफॉल्ट हर दफा इसमें होती है ठीक है अच्छा पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं फिर हम देखते हैं इसमें पोस्ट में क्या चीज आती है अच्छा जब भी हमने नई पोस्ट ऐड करनी है तो हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है यहाँ से हम नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं यहां पर हम बल्क ऑप्शंस में अगर हम सपोज थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स आपके पास हैं उनको आपने कुछ भी अपडेट करना है कुछ भी करना है तो हम बल्क एक्शन उस पर अप्लाई करके कर सकते हैं यहाँ से हमारी डेट्स बता रहा होता है यहाँ से हमारी कैटेगरीज बता रहा होता है और ये हमारी पहली पोस्ट है पहली पोस्ट को और uh, सबसे पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें शो करा देता है कि अभी हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है है वेलकम टू अंदर कंटेंट लिखा हुआ ठीक है और इसकी कैटेगरी अभी अनकैटेगराइज है प्लस ट्रैश के ऑप्शन से डिलीट हो जाएगा आर्टिकल अगर हम कोई कैडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अगर हमने पूरा आर्टिकल चेंज नहीं करना सिर्फ टाइटल या उसका परमा लिंक या डेट वगैरह चेक कर चेंज करनी तो हम कोई कैडिट से चेंज कर लेंगे एडिट में जाते हैं तो हम अपने आर्टिकल को इसी आर्टिकल को एडिट कर लेते हैं अब हम लेट सपोज ये वाला आर्टिकल हमारा था तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेसिकली टाइटल जाता है अच्छा उससे पहले आपको ये बताता चलू कि अभी हम ये गुटन आ, यूज कर रहे हैं वैसे नॉर्मली क्लासिक एडिटर एक्टिव होता है तो अगर आप क्लासिक एडिटर पे काम करना चाहते हैं तो उस पर कर लें वरना अब मोस्टली लोग घुटन पे काम करते हैं बड़ा इजी और बड़ा फ्लेक्सिबल चीज है ठीक है अच्छा ये हमारा सबसे ऊपर हमारा टाइटल इधर जाता है टाइटल गोज Here, और ये जो ये यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट जाता है वर्ड प्रेस का ठीक है जो भी हम अपना आर्टिकल रखते हैं अच्छा इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं इसको हम ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं इसको हमने लेट्स सपोज प्रीव्यू किया तो हमारे पास तीन वर्जन आते हैं आप डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं मोबाइल पे देखना चाहते हैं टैबलेट पे देखना चाहते हैं ठीक है अब हमने अपने आर्टिकल को प्रिव्यू कर लिया तो ये देखें ये आर्टिकल का टाइटल चेंज हो गया टाइटल को जर और ये नीचे वो कंटेंट आ रहा है उसका अगर हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो इमिडियटली पब्लिश हो जाएगा वरना हम इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं हमारे पास ड्राफ्ट में सेव हो गया हम बैक चले गए इस तरह से हम कल के लेक्चर में देखेंगे इसको पूरा किस तरह से डिजाइन करना होता है प्लस आ, ये आपको बता दिया कि ऐड न्यू इधर से हो जाएगा अच्छा हम कैटेगरीज अगर पोर्शन में आ जाए तो कैटेगरीज थोड़ा सा इस तरह समझाता हूँ कि लेट सपोज़ आपकी वेबसाइट आप स्पोर्ट्स uh, पे कोई आप ब्लॉग uh, अपना रन कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी कि आप क्रिकेट का कैटेगरी बनाएंगे आप फुटबॉल की कैटेगरी बनाएंगे और एक्स वाई वाइज मतलब इस तरह की आप कैटेगरीज बना देंगे लेट सपोज़ मैं अब हमारी अगर हम ज्यूम करें फॉर अ मिनट के uh, हमारी वेबसाइट स्पोर्ट्स के ऊपर है तो हम एक कैटेगरी बना देते हैं क्रिकेट के नाम से ठीक है हम यहाँ पर कैटेगरी बनाएंगे उसका मतलब परमलिंग चेंज कर देंगे वो मैं अभी आगे जाके बताता हूँ वो किस तरह से होगा तो हमारे पास ये एक कैटेगरी बन गई क्रिकेट की अगर हम आर्टिकल पे फिर से जाते हैं अपने और इसको एडिट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अब हमारे पास दो कैटेगरी शो हो रही है पहले हमारे पास सिर्फ अनकैटेगराइज बाय डिफॉल्ट अनकेटेगराइज पर होता है अगर लेट सपोज ये आर्टिकल हमारा क्रिकेट की कैटेगरी का है तो हम इसको अनकेटेगराइज से हटा देंगे और क्रिकेट में पोस्ट कर देंगे तो जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो अब ये ये वाले आर्टिकल्स क्रिकेट की कैटेगरी में चले जाएंगे ठीक है अच्छा इसके बाद कैटेगरीज अच्छा टैग्स में अगर हम टैग्स की बात करें तो अच्छा अगर मैं ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं उसको थोड़ी सी स्पीड आहिस्त कर दूँ और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लेक्चर के एंड में शुरू कर लेंगे ठीक है अच्छा वैसे ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं आप इनसे जितनी भी पंगे लेंगे कोई भी मसला नहीं होगी आप नहीं होगा आपकी साइट को और अच्छा क्रिस्टल फ्लियर है सर ओके सर थैंक यू अच्छा अच्छा हम अगर टैग्स की बात करें तो टैग्स बेसिकली इस तरह से समझ लें कि ये ये स्मॉल कैटेगरीज होती हैं कैटेगरीज के अंदर भी मतलब के अंदर का स्मॉल पोर्शन होता है और इधर से हम टैग्स ऐड कर सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जिस तरह से हम फेसबुक पे टैग्स लगाते हैं या इंस्टाग्राम पे टैग्स यूज करते हैं ठीक है इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है मीडिया का वैसे तो हम जो भी चीज़ें अपलोड करते हैं वो हम अपलोड करते हैं आ, पोस्ट के अंदर जाके भी बट यहाँ से भी हमारे पास मीडिया की एक लाइब्रेरी होती है जो भी चीज़ हम वहाँ से अपलोड करते हैं यहाँ से भी अपलोड करते हैं जैसे मैंने कुछ ये इमेजेस अपलोड की हुई हैं तो ये हमारे पास मीडिया में आता है अगर हमने कोई नई इमेज ऐड करनी हो तो डाउनलोड करके ड्रैग ड्रॉप कर लें या सेलेक्ट फाइल करके आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करनी हो हाँ अगर अब अब नेक्स्ट इसकी चीज है पेजेस अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ डिफरेंस समझ लेते हैं पेजेस वर्सेस पोस्ट का दोनों में से आर्टिकल आप दोनों में पोस्ट कर सकते हैं लेकिन डिफरेंस ये है कि पोस्ट मल्टीपल तरीके से मैनेज की जा सकती है मतलब वो की... किसी कैटेगरी के अंदर पोस्ट आ सकती है या टैग्स के अंदर या इनके किसी रिलेशन के अंदर पोस्ट आ सकती हैं बट जो पेजेस होते हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं इनकी कोई कैटेगरी ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते और पेजेस को हम स्टैटिकली यूज करते हैं मतलब कि अगर हमने कॉन्टेक्ट का पेज बनाना हो हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना हो हमने अपना होम पेज बनाना हो वेबसाइट का या हमने अबाउट अस का पेज बनाना हो और बाय डिफॉल्ट अगर आप एलिमेंटर को ये थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें तो ये दो हमारे पास बाय डिफॉल्ट पेजेस होते हैं जो मतलब किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे होते हैं तो इसलिए ये चीजें पेजेस में आती हैं हम अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है तो जो नए पेजेस होंगे सेम जिस तरह हम पोस्ट ऐड करते हैं कोई आर्टिकल ऐड करते हैं यहाँ पर एड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे उसी तरह का हमारे पास गुटनबर्ग ये एक लेआउट दे देता है इसमें हम टाइटल यहाँ डाल सकते हैं और नीचे उससे उसके उस पेज का जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा वो हम लिख सकते हैं ठीक है अच्छा पेजेस के बाद आ जाते हैं कमेंट्स कमेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा कमेंट करता है कुछ भी इस तरह का लिखता है तो वो आपके पास इधर इस इस लिस्ट में सारे नीचे शो हो जाएंगे कि, कि किस बंदे ने आपकी कौन सी पोस्ट पे क्या कॉमेंट किया हुआ आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आप उसको अनअप्रूव करना चाहते हैं कोई रिप्लाई करना चाहते हैं उसको स्पैम करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आपके पास सारी एक्सेस होती है ठीक हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं अपीयेंस में ठीक है अपियरेंस में हमारे पास एक आ, होता है मतलब थीम्स का ऑप्शन देता है हम जब अब थीम्स में चले जाते हैं तो थीम्स ये बेसिकली सेट ऑफ फाइल्स होते हैं इसमें हमारे पास कस्टमाइजेशन uh, होती है कोड्स पड़े होते हैं सारा कुछ एक हमारी वेबसाइट को ना बेसिकली एक लेआउट देने के लिए यूज होते हैं अगर हम अपनी मैं uh, ये वेबसाइट का डिस्प्ले आपको दिखाऊं तो ये जो ये जो डिस्प्ले अभी फिलहाल आ रहा है ना ये एक थीम की वजह से आ रहा है ठीक है अब थीम में अगर मैं आपको बताऊँ तो बाई डिफॉल्ट ना ये ट्वेंटी और ट्वेंटी 20... ट्वेंटी टू ये बाई डिफॉल्टे वर्ड प्रेस के अपने बेसिकली थीम्स होते हैं जो आपके पास वैसे ही पड़े हुए होते हैं जब आप वर्ड प्रेस इंस्टॉल करते हैं लेकिन हम लोग थोड़े से प्रीमियम थीम्स यूज करेंगे जैसे मैंने ये जनरेट प्रेस का थीम यूज किया हुआ ठीक है ये आपको फाइल आप या तो उनकी वेबसाइट से खरीद लें या किसी टूल बायर से आप कोई थीम परचेज कर सकते हैं इसको मैं एक्टिव करने का बिल्कुल आसान तरीका है इसका आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे एड न्यू पे आ गया तो यहाँ पर कुछ ये पॉपुलर थीम दिखाता है जो वर्ड प्रेस के अपने जो मेरे ख्याल फ्री हैं आप इनको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन हमने क्योंकि थोड़े प्रीमियम वाले थीम्स में जाना है अब आ, हम यहाँ पर अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे चूज़ फाइल करके हमें एक जिप फाइल होती है थीम की जो आपको जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे या जिस तरह से आप क्रोम डाउनलोड करते हैं उसकी एक जिप फाइल डाउनलोड होती है तो आप ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर जब अपनी फाइल ड्रॉप करेंगे आके तो आपको कुछ इस तरह से एक थीम शो हो जाएगा जनरेट प्रेस अभी तो यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दे रहा है बट उस टाइम यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन देगा आप सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है अच्छा अब थीम की अब हम क्योंकि जनरेट प्रेस यूज कर रहे हैं जो कि क्या कहते हैं एक अच्छा थीम कंसीडर किया जाता है और रिकमेंडेड भी जनरेट प्रेस है तो आ, अब हम इसकी कुछ कस्टमाइजेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं हम हम किन किन चीजों के साथ पंगे कर सकते हैं इसमें ठीक है अच्छा सबसे पहले जब मैं कस्टमाइज पे गया तो हमारे पास साइट की आइडेंटिटी आ गई साइट की आइडेंटिटी से मतलब कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या और उसकी टैग लाइन किया है ठीक है अब देखें जब मैंने इस पर क्लिक अपने कर्सर लेके गया हूँ अपनी वेबसाइट पे तो क्या लिखा आ रहा है एंकरेज चैम्बर्स जस्ट एन अदर वर्ड साइट ठीक है अब यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं चलो अपने सर का नाम लिख देते हैं असबर अली है। हमारी वेबसाइट का नाम है असबर अली ठीक है और मतलब इसकी हम ये रखते जस्ट अनदर वर्ल्ड प्रेस साइट तो अब जब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा ना तो हमारी वेबसाइट का नाम जब जैसे यहाँ पर एंकरेज चैम्बर शो करा तो अजबर अली शो करेगा या वेबसाइट जो भी आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे या उसका जो नाम होगा तो वहां से यहाँ से आप साइट का टाइटल ऐड करेंगे अच्छा अगर आपने यहाँ से हाइड करना है लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं मुझे इधर हेडर लगाना है अपने और अपनी साइट का टाइटल हाइड करना है तो आप सिंपली ये ऑप्शन को क्लिक कर देंगे हाइड साइड टाइटल तो इधर से आपकी साइट का टाइटल हाइड हो जाएगा ठीक है और अपनी टैग लाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्लस अब दूसरी चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये डब्ल्यू का साइन आ रहा है जो वर्ड का अपना लोगो है ठीक है अगर आप जाते हैं यहाँ पर आप अपनी आप, आप, वेबसाइट का जो आपने कस्टमाइज लोगो बनाया हुआ है उसकी फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट लोगो से क्लिक करेंगे और ये आपको डायमेंशन बता रहा है कि आपको जो अपना लोगो अपनी चाहिए अभी शो नहीं कर रहा बट अगर इसकी प्रॉपर वाली डायमेंशन होगी तो ये वाला आपकी साइट का लोगोंगा मतलब भी लोग होगा आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है थीके? ये हो गई साइट आइडेंटिटी साइट आइडेंटिटी के बाद लेआउट का ऑप्शन आ जाता है लेआउट ये भी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि आप लेआउट की वेट सेट कर सकते हैं लेट्स सपोज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉट uh, फाउंड के शुरू से लेकर ये वाले बॉक्स तक की uh, जो वेट है वो ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड पिक्सल्स है इसको वैसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर आपने इसके इसका पंगे लेने है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है अच्छा मैं मैसेज देखा सर केडियंस थीम आजकल काफी चल रहा है हाँ केडेंस पे भी आप काम कर सकते हैं सॉरी uh, मैंने आपका कमेंट अभी पढ़ा तो अगर आप केडेंस के साथ जाना चाहते हैं तो आप केडेंस के साथ चले जाएं बट मेरा जेनर प्रेस में उसकी चीजें आराम से मिल जाती हैं अगर आपने कोई भी चीज़ कस्टमाइज बनानी हो तो उसकी काफी आराम से मिल जाती है कभी कभी केडेंस में होता है कि उसकी आपको चीज़ मौके पर नहीं मिल रही होती तो शायद आपको इशू हो सकता है ठीक है अच्छा इसको हम पैक करते हैं अच्छा अच्छा ये अब दिखा रहा है कि आपको सेपरेट कंटेनर में चीज़ बनानी है या एक ही कंटेनर में बनानी है देखें अब आ, वो जो बॉक्सेस बने हुए थे कंटेनर्स ख़त्म हो गए अब एक ही कंटेनर में सारी चीज़ आ गई एक ही बॉक्स बन गया ठीक है अब कंटेनर की अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं कि बॉक्सेस के अंदर रखनी है अलाइन करना है या उसको टेक्स्ट के अंदर अलाइन करना है ओके सर क्वेश्चन आंसर लास्ट में करते हैं ठीक है थीके? अच्छा जी इसके बाद हम कंटेनर्स चले गए हेडर पे आ गए ठीक है अच्छा इसको एक दफा मैं रिफ्रेश भी कर लूँ ताकि वो वापस वाली सेटिंग पे चला जाए हम थे लेआउट पे लेआउट पे हमने कंटेनर्स देख लिए थे अब हम हेडर का देखते हैं अच्छा हेडर का प्रीसेट क्या है अभी हम करंट है अब ये बेसिकली हमारी नेविगेशन है अगर मैं इसको करता हूँ कि नेविगेशन बिफोर आ जाए हेडर के तो देखें ये नेविगेशन हेडर के ऊपर आ गई ठीक है इसको फिलहाल करंट ही रहने देते हैं अच्छा हेडर की वेट आप सेट कर सकते हैं अभी ये फुल पे आप इसको कंटेंट भी कर सकते हैं मतलब जिस तरह ये बॉक्स है ना इस बॉक्स के अंदर जो ये टेक्स्ट है वो कंटेन्ड है मतलब कि बॉक्स के अंदर आ रहा है बिल्कुल कुछ पैडिंग लाइट लेफ्ट साइड पे हुई भी है और राइट right साइड पे हुई भी, भी है और अगर फुल विध करना है तो ये बिल्कुल जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है ये फुल वेथ है ठीक है हेडर के अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जहां पर भी आपको अलाइन करना है अभी ये लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो क्योंकि अभी हेडर में वैसे बीच में कोई स्पेस नहीं है आ, कोई टेक्स्ट नहीं है तो इसलिए आपको शो नहीं होगा इस तरफ के ये लेफ्ट अलाइन है या राइट right अलाइन है लेकिन आप इधर से इसके अलाइनमेंट के साथ भी खेल सकते हैं ठीक है अच्छा नेविगेशन में आ सकते हैं नेविगेशन में अभी जो हमारी नेविगेशन की लोकेशन है वो फ्लोट बिल्कुल एक्सट्रीम राइट right पे है ठीक है ये भी उसी तरह से हमारी नेविगेशन को ऊपर ले आएगा अभी देखिएगा जो हमने लास्ट ऑप्शन से देखा था प्लस ये और भी ऑप्शन देता है कि अगर आपने होवर करना है तो होवर पे ड्रॉप डाउन आए या क्लिक ऑन मेन्यू आए या एरो वाला मेन्यू आए वो आप इन सारी सेटिंग्स से आराम से कर सकते हैं ठीक है अच्छा साइड बार्स कौन से हैं साइड बार्स हमारे पास ये वाले हैं कि जिसमें हमें सर्च का ऑप्शन देता है रीसेंट पोस्ट का ऑप्शन देता है रीसेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं तो अब इसका लेआउट आप सेट कर सकते हैं कि भाई आपने आप कहते हैं यार मुझे साइड बार चाहिए नहीं मुझे आ, वैसे इससे कंटेंट की नो साइड बार आ जाती है लेकिन अभी ये इस तरह नहीं शो करा क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल या कोई चीज एडेड नहीं है ठीक है प्लस आप कह रहे हो कि साइड बार है फिर कॉन्टेंट है फिर से साइड बार है तो ये सारे ऑप्शन से आप इनके साथ खेल सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा ब्लॉग हाँ अब ब्लॉग में किस तरह से आया हुआ है अभी लेट जी हमारा ब्लॉग का सेक्शन ओपन है तो लेफ्ट साइड पे एक कंटेंट आ रहा है और फिर हमारे पास साइड बार आ रही है जो उसका लेआउट एक सेट हुआ हुआ है ठीक है अच्छा हम पोस्ट का भी सेट कर सकते हैं उसी तरह से कि हमने पहले साइड बार देनी है फिर कॉन्टेंट देना है या कॉन्टेंट देना है कोई साइड बार नहीं देनी तो हम इधर से साइड बार की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं फुटर आ गया फुटर आप लोगों को पता है कि ये वैसे ये तो बिल्कुल फुटर के नीचे वाली चीज है बट एक फुटर नीचे आता है जिसके अंदर हम आ, हमने उसकी विट बता दी कि हमें फुल विट चाहिए एंड टू एंड दोनों हमारी स्क्रीन से एंड से जुड़ा हुआ हमारा फुटर ठीक है जो उसका टेक्स्ट हो वो कंटेंट हो वो बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लग रहा वो एक एक इन फुटर के अंदर एक बॉक्स के अंदर अः हमारे पास टेक्स्ट आ रहा हो अच्छा फुटर में हमने विजिट क्योंकि इसका फुटर अभी खाली है इसका नहीं बना हुआ तो वैसे हमने बाय डिफॉल्ट इसमें तीन बायट होते हैं कि आपने लेट uh, सपोज एक तरफ टेक्स्ट ऐड करना है या रीसेंट पोस्ट ऐड करनी है या आपने लोगो ऐड करना है तो ये तीन चीजें हो गई तो आप विजिट ऐड कर सकते हैं उसमें मल्टीपल ठीक है अच्छा ये बैक टू टॉप का बटन ए, अगर आप इनेबल करेंगे तो शायद इधर भी बटन दे दे हाँ ये देखें ये बटन आ गया बैक टू टॉप लेके जाने का ठीक है ये चीज भी इधर देता है हमें फुटर पे अब हम ब्लॉग का चेक कर सकते हैं ब्लॉग में आपको क्या फुल कंटेंट चाहिए या आप उसका एक एक्सर्प्ट चाहिए एक्सर्प्ट होता है कि मतलब कंटेंट का कुछ हिस्सा आपको शो uh, कराना है अपने लेट्स सपोज जो uh, यहाँ पर रीसेंट ब्लॉग्स आते हैं अब रीसेंट ब्लॉग्स में क्योंकि हमें थोड़ा सा पार्ट शो करना होता है अपने ब्लॉग का हम पूरा ब्लॉग इतने छोटे पोर्शन में नहीं लिख सकते वो एक तो खूबसूरती भी नहीं आती उसकी और बहुत बुरा लगता है जिस तरह ये है कि नो कमेंट्स बिलो मतलब ये उसका एक्सपर्ट एक शो होगा उसके, उसके ब्लॉग के अंदर से थोड़ी सी चीज एक शो होगी हो ठीक है ये हम लेआउट वाली चीज में ये कर सकते हैं प्लस अगर आप टाइप टाइपोग्राफी में जाते हैं तो मतलब ये है कि आप इसका आ, अभी सपोज इस पे जो फॉन्ट लगा हुआ है आप उनको फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं यहां से आप जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे वो आपके ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे आपके जहां पर भी फॉन्ट होगा वो सारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा आपका ठीक है आपने अगर उसकी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो पूरी वेबसाइट का फॉन्ट का साइज बढ़ा जाएगा लाइन हाइट सेट करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं पैराग्राफ और मार्जिन के दरमियान कोई अगर आपने स्पेस देनी है तो आप यहाँ से इस पैराग्राफ मार्जिन से सेट कर सकते हैं ठीक है ये बॉडी के ये सारे इनके फॉन्ट्स आ गए जिन भी फॉन्ट्स के साथ आप काम करना चाहते हैं बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है आप उसी के साथ जाएं अगर आप बहुत ज्यादा मतलब आप कस्टम वेबसाइट नहीं बना रहे जो आप नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं कोई एफिलियट का बना रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको मतलब मैंने जितना टाइम अभी काम किया तो मुझे इन सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल ठीक है बट uh, uh, अगर आप चाहते हैं तो आप इनके साथ आराम से खेल सकते हैं ये uh, इससे आपकी एक्सपीरियंस गेन होगा और मेरे ख्याल से सारी वैल्यू एक्सपीरियंस की होती है आप जितने इन चीजों से पंगे लेंगे तो आपको कल को अगर कोई मसला आएगा तो आपको याद आ जाएगा अच्छा यार मुझे लेट्स आपको क्लाइंट कहता है कि यार मुझे आ, न, न, मुझे जो मैं आ, लिंक है उसे कलर मुझे ग्रीन कर दो तो यहाँ से आप जाके टाइपोग्राफी में जाके आप वहां से आपको पता है कि यार वहां पर फॉन्ट की चीज़ें वहां पर होती हैं या कलरिंग वहां पर होती है तो वहां से जाके उसका कलर चेंज कर सकता हूँ ठीक है तो अगर जब आपकी वेबसाइट खाली है तो थोड़ा सा इसके साथ खेल लें बट जब वेबसाइट फिर बन गई है तो फिर उसके साथ मैं तो सजेस्ट करूंगा छेड़खानी नहीं करें अच्छा अब हम कलर्स में आ गया अगला ऑप्शन है कलर्स का देता है कलर्स में हमारे पास कुछ ग्लोबल कलर्स दे रहा है जो हमारी वेबसाइट के ब्लैक ले लें या ले, ब्लू ले लें व्हाइट ले लें ले, कुछ भी ले लें अच्छा उसके बाद हमें ये और भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपने बॉडी के बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है आपने हेडर के बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है आपने जो नेविगेशन है मतलब जिस तरह ये आ रही है नेविगेशन इनके बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है फॉर्म्स के बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है अगर आपने साइड बजट है उसका कोई कलर आपने चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड से इसको हम लाल पे ले जाते हैं देखें ये इसने हमें चेंज कर दिया अगर टेक्स्ट का कलर वाइट ले जाता हूँ हमें वाइट इसके टेक्स कलर लेगी अब लिंक का कलर अगर इधर कोई लिंक लगेगा तो उसका कलर अब जैसे ये पोस्ट है ये लिंक्स है ये इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया ठीक सॉरी टेक्स्ट का था सॉरी लिंक अगर क्योंकि अभी इसमें कोई लिंक नहीं है तो उस लिंक का कलर जिस तरह ये लिंक लगा हुआ ना गेट स्टार्टेड है ये ब्लू में फिलहाल लिखा हुआ तो इस तरह अगर इधर कोई का लिंक होगा तो आप वहां के चेंज कर सकते हैं फुटर विजिट के कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फुटर बार के कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम देखें हमारी फुटर बार का कलर अभी यहाँ पर ग्रे लगा लगा हुआ है ठीक है अगर आप मैं इसको ब्लू कर दूँ जो कि बहुत फयाद लग रहा है बट हम कर सकते हैं इन सब के साथ हम खेल सकते हैं ठीक है हम बैग चले गए एक दफा से इसको अंडू कर देते हैं ये सारी चीजें हट जाए अच्छा उसके बाद हम कलर्स के बाद हम चले गए जनरल में यहाँ पर आइकन का टाइप एसवी इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है मेन्यूज में चले गए मेन्यू आपको बाहर से बताता हूँ वैसे यहाँ से भी आप क्रिएट मेन्यू कर सकते हैं और यहाँ पर अपने मेन्यू का को कोई भी नेम डाल के, उसके अंदर चीजें डाल सकते हैं अब वैसे प्राइमरी मेन्यू करके बट मैं आपको बाहर विजिट से दिखाता हूँ वो किस तरह से आप मेन्यू अपना बना सकते हैं ठीक है अच्छा विजिट्स आ गए विजिट्स में मैंने आपको जिस तरह बताया कि अब जो ये साइड बार है या फुटर में आ गए कोई विजेट आ गया या टॉप में कोई विजेट आ गया तो ये हमारे पास बेसिकली ये वाला विजेट्स के सेक्शन में आता है आपने कोई फुटर के लेट्स सपोज आपने चार विजेट्स लगाए हुए या पांच विजेट लगाए हुए हैं या आपने कोई नया विजेट बनाना है फुटर का बल्कि मैं आपको इधर से दिखाता हूँ हेडर में लेट सपोज हेडर में अब दे रहा है कोई ब्लॉक ऐड कर लें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा ये ब्लॉक्स किस तरह से होते हैं लेकिन लेट सपोज यहाँ से मैं कहता हूँ यार मुझे कोई हेडर में इमेज चाहिए तो मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ मैं कहता हूँ मुझे इस भाई की तस्वीर दे दो हेडर में ठीक है देखें ये क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर है तो ये हेडर में इसने इस ये होते हैं बेसिकली विजिट के आप इधर अपनी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ठीक है अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए अब इनको बैक कर दें तो इस तरह आप फुटर में भी कोई चीज डाल रही आप फुटर में डाल सकते हैं फुटर के पांच विजिट्स हैं मतलब पांच पोर्शन में आपका फुटर डिवाइडेड है फुट बार जो ये नीचे वाली ये बार है ये फुट बार है इसमें आप कोई चीज डालनी है आप डाल सकते हैं या टॉप की बार में आप कोई चीज अपनी टॉप की बार में डाल सकते हैं ठीक हो गया ये विज़िट्स हो गए आपके अच्छा होम पेज की सेटिंग अच्छा अभी देखें अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूं ना तो वेबसाइट की जरिए मेरी हाँ वेबसाइट पे गया ना तो अभी हमें क्या शो कर रहा है क्या लिखा हुआ योर लेटेस्ट पोस्ट मतलब कोई भी पोस्ट मैं करूंगा तो हमें इधर शो कर देगा अब जो भी हमारी वेबसाइट पे डाल जाएगा ना इंक्रेज चैम्बर्स डॉट ओ एन बाई डॉट साइट डॉट आई पे तो उसको ये बाय डिफॉल्ट पेज शो होगा अगर आप कहते हैं यार नहीं, मेरी पोस्ट नहीं शो होनी चाहिए मैंने होम पेज बनाया हुआ है और होम पेज आपने किस तरह शो करना है आप यहाँ पर जाके स्टैटक पोस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप उसको बता देंगे कौन सी पेज शो करा है ठीक है मैंने लेट सपोज सैंपल पेज में आई डोंट नो अभी क्या पड़ा हुआ है सैंपल पेज इस तरह का है ठीक है अब अगर आपने ये वाला पेज शो कराना ना तो आप इसको अगर पब्लिश करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट हर मैं मैं करके देता हूँ हमने पब्लिश कर दिया अब देखें जब मेरी वेबसाइट खुली तो बाय डिफॉल्ट सैंपल पेज शो हुआ और हम हम मोस्टली कोशिश यही करेंगे कि जब हम अपना होम पेज डिजाइन कर लें तो यहाँ पर सैंपल पेज की जगह होम पेज का ऑप्शन आ रहा होगा तो हम होम पेज अपना डिस्प्ले uh, कराएंगे ताकि जो भी बंदा विजिटर हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको हमारा होम पेज ही डिस्प्ले हो ठीक है अच्छा जी ये एडिशनल सी एस एस है एडिशनल सी एस एस में अभी तो फिलहाल आप कुछ नहीं करें और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जब तक नहीं छेड़ें बल्कि मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ इसमें क्या क्या हिसाब किताब करना है ठीक है हम आ, हम थीम्स में चले गए थीम्स की कस्टमाइजेशन हमने देख ली हमने बजट्स देख लिया क्या होते हैं मैंने कहा था मेन्यू मैं आपको बाहर जाके बताऊंगा हम मेन्यू के सेक्शन में आ गए यहाँ से हम अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अब देखें लेट सपोज uh, मैं कहता हूँ कि मुझे ये मैंने मेन्यू का नेम दे दिया मेन्यू वन ठीक है one, अब यहाँ पर आपकी रिसेंट पोस्ट आ रही होती है और यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट आ रही जीती है जिसमें आपके पोस्ट भी आ रहे होते हैं और पेजेस भी आ रहे होते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपने अपने मेन्यू में डालना है ठीक है मैं मोस्ट मैं व्यू ऑल में चला गया मैं कहता हूँ कि यार मुझे आ, क्या कहते हैं एक मेन्यू में ना मुझे सैंपल पेज भी शो कराओ उस सैंपल पेज वाले पोस्ट को क्लिक किया मैंने एड टू मेन्यू किया तो ये देखें ये हमारे पास मेन्यू में आ गया ठीक है ये हमारे पास अब सैम्पल पेज लिखा हुआ आएगा मैं कहता हूँ कि यार मुझे होम भी चाहिए मैंने होम भी एड टू मेन्यू कर दी और आ गया अच्छा अब कभी कभी आप देखते हैं कि एक मेन मेन सेक्शन होता है <coughs> ए, मैं इधर से कुछ कोई वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ बेस्ट फिशिंग के आग चले जाते हैं अच्छा नहीं अब अब, अब वैसे इस पर तो शो नहीं हो रहा बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर अ, जैसे इनफ्लेब इनफ्लेबल क्या हैं आप इस पर जब अ, माउस कर्सर लेके जाते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है उसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही होती हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको एक सेकंड इधर से दिखाता हूँ कि आप वो सब सब कैटेगरीज किस तरह करेंगे आपने क्या करना है आपने होम के नीचे आए आपने हल्का सा इसको आगे कर देना है तो अब ये जो सैंपल पेज है ना ये होम पेज के नीचे शो होगा आपको इसकी कैटेगरी के, के अंदर शो होगा आपको ठीक है इसका सब आइटम बन गया बेसिकली ये तो यहाँ से आप अपने मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं आपने कोई और नया पेज डालना है मैंने ये एलिमेंटर वाला लेट सपोज पेज डाल दिया तो मेरे पास ये अब एक मेरे पास अब वेबसाइट पे शो होगा एक होम का सेक्शन शो होगा जिसके अंदर सैंपल पेज शो होगा और एक अलग से सेक्शन शो होगा जिसका नाम होगा एलिमेंटर टू ठीक है ये मेन्यूज हो गए हमारे पास अच्छा इसको हम लीव कर दें अगली दफा अगला पेज आता है जनरेट प्रेस का इसको फिलहाल आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है आप इसमें जाके थोड़े से पंगे कर सकते हैं बट ये बिल्कुल वही चीज है कि आप कस्टमाइज में जाए कर लें यहाँ जाए कर लें फिर हमारे पास आता है थीम फाइल एडिटर थीम फाइल एडिटर को मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा कि आप उस वक्त तक ना छेड़ें इसको जब तक आपको ये ना पता हो कि आप क्या कर रहे हैं ठीक है इसमें भी आपको ऑप्शन बता देता हूँ ये स्टाइल शीट होती है इसके थीम्स के फंक्शंस आते हैं इधर और थीम के आपने हेडर में कोई चीज़ डालनी है तो थीम हेडर में डालते हैं ये सारा इसका कोड लिखा हुआ है आप इसको प्लीज ना ही छेड़ेगा तो बेहतर है इसको ना तो फिर थीम का फुटर है थीम के फुटर में आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप यहाँ से कोई एक्स्ट्रा कोड डाल के चीज़ ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपने कोई कोडिंग करके कोई चीज़ कस्टमाइज करनी है तो उसका कोड थीम फाइल एडिटर में जाता है बेसिकली ठीक है अच्छा थीम्स की सारी बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई इसके बाद आता है हमारे पास प्लग इंस प्लग में हमारे पास प्लग इन का मतलब होता है प्लग इन मतलब एक एड ऑन है बेसिकली हम अपने थीम के अंदर और भी कुछ चीज जो डालना चाहते हैं कोई एड ऑन एड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्लग यूज करते हैं ठीक है अच्छा जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि इसको फिलहाल मैं एक्टिव कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट आप लोग जब अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो ये क्लासिक एडिटर एक इसमें एड हुआ हुआ आता है आप जब पोस्ट में जाएंगे तो आपको पोस्ट कुछ इस तरह से शो होंगी इस तरह से शो होंगी ये भी बिल्कुल आसान है इसमें भी कोई मसला नहीं है आप यहाँ पर अपनी साइट का टाइटल डालेंगे यहाँ पर अपनी साइट का जो भी नीचे उसका टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स यहाँ से आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं और ये बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है ठीक है तो बाई डिफॉल्ट इस तरह से होगा अगर आप इस इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे प्लगइन्स में जाएंगे और इसको डीएक्टिवेट कर देंगे प्लग का भी सेम है अगर आपने कोई नया प्लगइन ऐड करना है तो ये कुछ वर्डप्रेस uh, आपको प्लग देता है आप इधर से कोई प्लगइन uh, ऐड कर सकते हैं प्लस uh, अगर uh, आपने कोई अपलोड करना है प्लगइन नया प्लगइन अपलोड करना है तो आप क्या करेंगे आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल में जाके आप uh, zip फाइल डाउनलोड कर लेंगे जो भी आपके प्लग की होगी लेट सपोज कोई आपने कस्टम कोई प्रीमियम प्लग खरीदा हुआ है तो आप यहाँ से उसको अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं यूजर्स यूजर्स मतलब के आ, आप जिन लोगों को अपनी वेबसाइट पे एक्सेस देना चाहते हैं ठीक है आप जब एड न्यू करेंगे तो यहाँ से आप न्यू यूजर एड कर सकते हैं लेट uh, सपोज आपने कोई बंदा रखा हुआ जो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है तो आप उसको उसको अगर आपने एक्सेस देनी है तो आप उसको पूरी वेबसाइट की एक्सेस नहीं देंगे आप उसका यूजर नेम डालेंगे इधर उसका ईमेल डालेंगे उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेबसाइट का अपनी का नाम और प्लस यहाँ पर उसको यहाँ पर आप पासवर्ड अपना ये वाला पासवर्ड उसको दे देंगे अच्छा यहाँ पर उसका रोल शो कर रहा होता है रोल में चार तरह के रोल हैं सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूटर ऑथर एडिटर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसके पास टोटल एक्सेस होती है कि वेबसाइट में सब कुछ कर सकता है तो आप बेसिकली जिसको भी आ, आगे अपने जो भी आप बंदा रखेंगे जिससे आप कुछ काम कराना हो कोई आपका कंटेंट राइटर है या आपका कोई डिजाइनर है तो उसको आप एडिटर की एक्सेस देते हैं एडिटर का मतलब यह होता है कि वो सारा कुछ फंक्शनलिटी यूज कर सकता है बस आपको रिमूव नहीं कर सकता वो ठीक है उसके बाद जब आप एड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो वो यूजर जनरेट हो जाएगा और वो यूजर फिर से जाके आपकी वेबसाइट के आगे जाके डब्ल्यू पी लिखेगा और जो आप उसको ई और पासवर्ड देंगे उससे वो लॉग हो जाएगा आपकी साइट में अच्छा जब टूल्स के सेक्शन में टूल्स में हम आ, हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का कि हम कोई वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हैं ये वेबसाइट कहीं कर एक्सपोर्ट करनी है हम वेबसाइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम आ, हम साइट की हेल्प चेक कर सकते हैं हम आ, मतलब कोई पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करना हो या इरेज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं इजिली ठीक है फिर हम यहाँ से हमारे पास सेटिंग्स आ जाती है हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तो हमने क्योंकि इस ऑर्डर में शुरू किया था कि डैशबोर्ड पोर्ट्स पोस्ट वगैरह तो आपने कोशिश ही करनी जब आप अपनी वेबसाइट को डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर लें और आपका वर्ड इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स जाके ठीक कर लें मैंने पहले जैसे बताया कि थीम्स में जाके आप सेटिंग चेंज कर लें या तो साइट का टाइटल और टैगलाइन और एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल सब कुछ या तो यहाँ पर जाके कर लें या उधर से कर लें यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है ना वो है परमालिंग ठीक है परमालिंग आपने हमेशा सेट करना है और एस में असमर भाई मुझसे बेहतर बताएंगे आपको बट आ, हमारी कोशिश हो ये होती है कि जो हमारा मेन कीवर्ड होता है वो हमारे परमालिंक uh, होता क्या है बेसिकली परमालिंक ये होता है कि जो स्लैश के बाद जो कुछ लिखा आ रहा है ना यहाँ पर हमारा बेसिकली मेन कीवर्ड आना चाहिए अच्छा यहाँ पर हमें परमालिंक की तीन चार टाइप uh, बता रहे हैं एक तो प्लेन है कि आपकी वेबसाइट का नाम और पोस्ट पी इज इक्वल टू वन टू थ्री ये शो होगा अगर आप कोई चीज नहीं पोस्ट करते हैं या डे एंड नेम के साथ शो होगा कि आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश 2022 10th month, 5th date और ठीक है या month के नेम के साथ होगा सिर्फ यहाँ पर आपको मंथ आ रहा है नहीं शो हो रही या जो numeric values आएंगी कि में पड़ी हुई आप, आपकी third post है तो स्लैश जाएगा हमने क्या करना है हमने सब सिर्फ इसको पोस्ट नेम को सेलेक्ट करना है हमने ये सेटिंग करनी है कि हमारी वेबसाइट पे जो वेबसाइट का नाम हो स्लैश जो हमारी पोस्ट का नाम हो वो आना चाहिए जिस तरह ही देखें ये आर्टिकल किसका क्या, इस, इसका आर्टिकल क्या है बेस्ट फिशिंग कैक्स इसमें मेन कीवर्ड क्या है फिशिंग कैक तो ये देखें इसकी जो वेबसाइट है उसमें आगे कैटेगरी आ रही है और उसके बाद जो उसका मेन कीवर्ड है वो तो साफ सुथरा आ रहा है इसके आगे ना इसने 2022 लिखा हुआ है ना कोई मंथ लिखा हुआ है ना कोई नंबर डाला हुआ है तो आपका भी आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले जो आप सेटिंग करें तो परमा लिंक को सेट करें और ऑप्टिमल आपने परमा लिंक करना है जिसमें आपने सैंपल पोस्ट डाल देनी है आपकी ठीक है और आपने इसको सेव चेंजेस कर देनी है आपका जो मेजर काम होगा थोड़ा सा शायद क्योंकि ये अभी तो आपको मसला नहीं करेगा जब आप चार पांच पोस्ट डाल चुके होंगे अगर आप न्यू भी हैं तो फिर अब बाद में आपको कोई आप किसी को दिखाएंगे यार वेबसाइट चल नहीं रही रैंक नहीं कर रही है आप क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आपको कहेगा कि यार तुम्हारे तो परमलेंट इस तरह से आगे न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ रही है और बड़ा आ, आ, मतलब टाइडी सा नहीं है तो वो आपको आप चेंज करो जब आप चेंज करेंगे ना तो फिर आपको आएगा रीडायरेक्शन का मसला आएगा कि यार वो अब गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आप उस दूसरे लिंक पे भी आप यही चीज चला रहे हो नए लिंक पे भी ये चीज चला रहे हो तो आप कर, करना क्या चाह रहे हो तो आप बड़े एक मसले में फंस जाओगे तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ये इशू हुआ था बट मैंने पाँच छह पोस्ट के बाद अपना चेंज कर लिया था लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले जब आप डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करें या नई वेबसाइट पे हैं तो सबसे पहले आके अपना परमा लिंक चेंज कर लिया करें ठीक है इसके बाद प्राइवेसी का पेज आ जाता है जिससे आप अपनी थोड़ी प्राइवेसी का कोई नया पेज क्रिएट कर सकते हैं या आपकी प्राइवेसी पॉलिसी दे देता है ठीक है तो ये बेसिकली हमारा आ, एक बेसिक सा ओवरव्यू था वर्ल्ड का इसमें आ, अ, मेरा तो खैर थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है बट अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आप आराम से इसमें आ, इसको सीख सकते हैं ये सिंपली ड्रैक ड्रॉप वाली चीज़ है इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी और अगर आप सिर्फ वर्ल्ड की स्किल सीख लेते हैं तो मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है तो आई गेस अगर हम टाइपोग्राफी से कोई अमेंडमेंट्स करते हैं तो हमारे पूरे ब्लॉग पे अप्लाई होंगे यस अगर आप टाइप टाइफर्ग, टाइपोग्राफी में जाके कोई भी अमेंडमेंट करेंगे ना तो आपके पूरे ब्लॉग में आपकी बेशक उसमें पोस्ट आए उसमें पेजेस आए या आपके आ, क्या कहते हैं होम पेज पे कोई टेक्स्ट लिखा हो तो वो सारों की टाइपोग्राफी चेंज हो जाएगी उसमें सब में वही वाला फॉन्ट अप्लाई होगा जो आप यहाँ से जाके चेंज करेंगे टाइपोग्राफी से ठीक है अब आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आ, I guess आप कर लें तो जी सर बस ठीक है आपने जबरदस्त तरीके से बता दिया सारी चीजें बाकी मैं यही ऐड करूंगा कि ये काम होता है सर प्रैक्टिस का बताने से नहीं होता ये कि आप बता दें बताने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको एक कोई मिल जाए बाकी ये वेबसाइट है जब तक आप चीजें खराब नहीं करते तब तक नहीं आइडिया होता कि कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी तो यहाँ कंफ्यूजन है करें और वापिस भेजे कौन सा और बताइए आंसर खिलत? आ, मैंने, मैंने जनरेट प्रेस पे काम किया हुआ और काम किया हुआ है और एक और भी थीम है जिसमे मैं आजकल काम कर रहा हूँ मेरी कंपनी वाले उसको सजेस्ट करते हैं Uh, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ फोर्स समथिंग क्या है ये फ्रूटूरियो बट ये बिल्कुल फजूल सा है इसको आप ना ही यूज करें तो बेहतर है बट uh, uh, क्या कहते हैं मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जनरेट प्रेस और केडेंस और उसमें भी हाईएस्ट प्रायोरिटी जनरेट प्रेस की होगी जनरेट तो प्रेस ही जो है वो हुँ. चल रहा है ज्यादातर आजकल के आप हर चीज उसमें डिजाइन कर सकते हैं आपको किसी हर चीज के लिए नए थीम के नहीं होती। हर चीज़ में उसमें तो केडेस किसने यूज किया होगा तो वही प्रॉब्लम बता सकता है फादर पर ऐसे थोड़ी पता लगेगा की क्या प्रॉब्लम आ रही है या तो प्रॉब्लम है हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम बता दें तो उसको देखा जा सकता है सर वो आ, हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ आता है ना मतलब हेडिंग होती है उसके नीचे जो पैराग्राफ आता है थोड़े से हंड्रेड थ्री हंड्रेड वर्ड लिखे बात है वो वर्ड में कम करना चाह रहा हूँ मगर वो कम ही नहीं रही मैं चाहता हूँ हंड्रेड से ज्यादा वर्ड या फिफ्टी से ज्यादा वर्ड वो शो ना करे एक दो लाइनें शो करे टेक्स्ट की हैडिंग के मगर वो काफी सारी शो करता है जो फीचर इमेज आ, पहले फीचर इमेज आती है उसके ऊपर टाइटल होता है और फीचर इमेज के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है ना तो वो उस पे वो मैंने चेंज किया है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो किस चीज़ से चेंज होता है वो टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है तो मैं सर इनको इनकी वेबसाइट पे लाइव करके दिखा दूंगा इनको किस तरह से होता है बट वो मसला नहीं है बिल्कुल आराम से होता है उसी में एक ऑप्शन आता है कि मैं आपको बल्कि इस लेक्चर के बाद ही बता दूंगा कि वो कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन है जिससे आप कर सकते हैं नहीं, स्थी 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 है स्थी। है चैट में आप अटैच कर सकते हो पर आपकी है ना तो आप ग्रुप में लगा कर और उनको हाँ, कर, ये वहां मैं फुटर में, में लगाना हूं, वो भी नहीं लग रहा पता नहीं मैंने काफी कोशिश की हालांकि दूसरी भी मेन्यू लगाए मगर कैंटेंस में ना फुटर में तो क्या इश्यू क्या देता है वो आ, वो सब कुछ शो कर रहा है मेन्यू भी सही बन रहा है मगर शो नहीं कर रहा मेन्यू जब मैं उसे